जो न्यूट्रिशन की दृष्टि से बहुत अच्छी है जी, वो कौन सा चीज का? वो सत्तू होगी सर, बाली। अच्छा, वही सत्तू जो बिहार वाला है या? जी, ये थोड़ा अलग है सर, ये जौ का आटा है, सत्तू है जी। कैसे बनाते हैं? जौ को रोस्ट करके उसका पाउडर फॉर्म जी, उसको पीसते हैं सर। हम जब लद्दाख जाए तो हमको सत्तू खाना जी। और एक पावा डिश बनता है सर, वो सब चार ग्रेन्स को मिला के मिक्स्ड ग्रेन पॉरिज जैसा डिश है सर जी। जी, भारत के और भी वैरायटीज का स्टडी करती है क्या? जी सर, अभी करने लगी हूँ सर, पहले इतना नहीं पता था, अभी अलग अलग जगहों पे जब जाने से पता चलता है कि वहाँ पे वहाँ का ट्रेडिशनल खाना क्या होता है, कैसे होता है। देखिए, आपका काम इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि तो लेह लद्दाख टूरिज्म के लिए बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र बन सकता है। जी सर, और टूरिज्म में जैसे हैंडीक्राफ्ट का महत्व है, वैसे वहां के लोकल फूड का भी महत्व है। अगर टूरिज्म के साथ उनको जोड़ा जाए बहुत बड़ा अवसर पैदा हो सकता है। मेरी बधाई है आपको। धन्यवाद, थैंक यू। आरिफा सर, मैं आरिफा कश्मीर से बिलोंग करती हूँ, श्रीनगर से, श्रीनगर बेस्ड हूँ। तो मैंने 2011 में पीजी किया है, क्राफ्ट मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरियल लीडरशिप प्रोग्राम। तो उसमें अपने क्राफ्ट को जानने का मिला अवसर मिला कश्मीर में, कि हमारा क्राफ्ट की ये जो इमेज है वो कैसे डिग्रेड हो गई, और हमारा जो इंटरनेशनल लेवल पे बहुत अच्छा चलता था तो उसको क्या प्रॉब्लम्स हो गई जिसकी वजह से हमारा रेशियो 98% से 2% पे पहुंच गया। तो उसके बाद आर्टिजन्स क्यों छोड़ रहे हैं क्राफ्ट्स को, तो वो सब जानने का मौका मिला। और फिर कश्मीरी लोगों के लिए प्यार भी था, तो उस प्यार की वजह से फिर मैंने एक क्राफ्ट्स है, क्योंकि हमारा सेंटर से एक प्रोजेक्ट आया था, रिवाइवल ऑफ क्राफ्ट्स ऑफ कश्मीर, लैंग्विशिंग क्राफ्ट्स ऑफ कश्मीर। तो हमने भी देखा कि 25 क्राफ्ट से बहुत सारे ऐसे क्राफ्ट थे जो लैंग्विशिंग है, तो उसमें से फिर मैंने नमदा रिवाइवल किया, जिसमें मैंने 5 आर्टिजन से स्टार्ट करके उनको एक तो वेजेस पे फोकस था, और दूसरा आर्टिजन मोटिवेट होके फिर से आ जाए इस क्राफ्ट में, और तीसरा ये कि इंटरनेशनल लेवल पे जो इसकी इमेज खराब हो गई है उसको कैसे वापस बिल्ड करें। तो जापान में जैसे पूरा बैन था, तो फिर मैंने रिवाइवल ऑफ नमदा प्रोजेक्ट लिया, जो 5 आर्टिजन से स्टार्ट करके फिर 15 आर्टिजन उसमें जुड़ गए, लेडीज 7 और 8 मैन थे, क्योंकि बेस हमारा यहाँ जेंट्स बनाते हैं, वो बहुत हैक्टिक वर्क है, तो उसके बाद एम्ब्रॉयडरी लेडीज करती है। तो फिर बाद में रिवाइवल ऑफ पश्मीना स्पिनिंग, जो हैंड स्पिनिंग होती थी, अभी पश्मीना स्पिनिंग मशीन्स पर लगता है, तो उसमें 28 लेडीज जुड़ गई, क्योंकि शुक्र अल्लाह मैंने इतना अपने लिए नहीं कमाया है जितना कोशिश की कि आर्टिजन कम्युनिटी को फायदा मिले और जो हमारा क्राफ्ट डाइंग हो रहा है उसको बचाने में। अभी 28 लेडीज हमारी पश्मीना स्पिनिंग के साथ जुड़ी हुई है, और 25 लेडीज जो है एम्ब्रॉयडरी के साथ जुड़ी हुई है, और नमदा रिवाइवल में 15, तो लगभग 75 के करीब मतलब है। तो लेकिन पिछले साल जो इंटरनेट बैन हुआ, तो उस वजह से हमारा सारा खराब हो गया है। लेकिन आज एकदम तेजी से बढ़ने वाला है। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, आई होप सो। और ये बहुत अच्छा अवसर मिला है यहाँ आपसे मिलने का, और प्रेजेंट साहब से भी मिले तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस एप्रिसिएशन। ये बहुत बड़ी बात है हमें यहाँ इस मंच पे बुलाया, क्योंकि हम ग्रास रूट लेवल एंटरप्रेन्योर्स को एप्रिसिएशन मिलना बहुत मुश्किल होता है, यहाँ तो सब वो रसूक वसूक चलता है। थैंक यू सो मच। नमस्ते सर, मैं तो तेलुगु में बात करूंगी, किंतु आपसे हिंदी में बात करने का कोशिश करूंगी सर। सर, मेरा नाम है पड़ाल भूदेवी, एपी श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट में ट्राइबल एरिया से आया हूँ सर। मैं तो एक ट्राइब है, मेरा कम्युनिटी सवरा।
मैं एक काम में 25 वर्ष का मैं काम कर रही हूँ। मेरे पिता ये काम कर रहे था एक संस्था बन के। मुझे छोटा उम्र में शादी हुआ। मेरा 3 लड़कियां हैं, इसलिए 3 लड़कियां तो बेटियां नहीं ऐसा कह के मेरा हस्बैंड छोड़ दिया। इसलिए मैं माँ बाप का घर आया। बड़ा बेटी को 3 वर्ष हुआ, मैं घर के आने के टाइम में। सेकंड बच्चा को 2 वर्ष हुआ। 3 बच्चों को 2 महीने हुआ। ये 3 बच्चों को लेके माँ बाप का घर आया। माँ बाप के घर में मुझे देखकर बहुत दुख लगा। पिताजी गांव में जाके ये लैंड इश्यू में सबके साथ काम कर रहे थे। मुझे भी उनके साथ ले जाके मुझे भी वो काम सिखाया पिताजी। ऐसा मैं काम सीख गया। मेरा जैसा महिलाओं को ग्राम सभा बन के और ग्राम में उन्होंने कैसे जीता है, थोड़ा सा लैंड उनको रहता है और उन्हें मैं खेती करके उनका बच्चा माँ को कैसे खाने का देता है वो सब देखकर मुझे भी ऐसा लगा इन्होंने कुछ भी नहीं है, उनको रहने का घर भी नहीं है। ऐसा महिलाओं ने इतना अच्छा तरह से उनका स्वेच्छा में जीता है। क्यों? मुझे बाप है, मेरा माँ है, मैं भी जी सकती हूँ ऐसा लगा। सबके एक एक ऐसा मीटिंग में जा रही थी और सब सुनकर ट्राइबल एक्ट क्या क्या रहता है, वुमेन का राइट्स क्या क्या रहता है, न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन के लिए कौन कौन फसल होगा, ये सब मैं जान लिया। जानकर मेरा मेरा सबरा कम्युनिटी संस्कृति संप्रदाय वो कुछ मैं नहीं जानती। इसलिए मेरे बच्चों को लेके 9 वर्ष का पहाड़ों में मैं चला गया। चला जाके मेरा लोगों साथ में रहकर वो ग्राम सभा वो डाको जंगबेर भाषा में कहती है, सवरा भाषा में डाको जंगबेर ग्राम सभा। और ग्राम सभा में बड़ा बड़ा लोग जैसे निर्णय लेता है वो गांव में कैसा इम्प्लीमेंटेशन होता है वो सब मैं देख लिया। देखकर 1/70 एक्ट कितना पावरफुल है वो हमारा बड़ा लोग जो लेते। सब्सक्राइब करें।